Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, वेलकम टू हाईटेक इन फॉर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आप सभी के लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ और आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ हैवल्स का इंडक्शन कुकर। तो गाइज, इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है और मैं आपको इसका बिल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसका बिल देख सकते हैं, इसकी कीमत है 1900 रुपये, 1900 रुपीज़। तो इसको अनबॉक्स करने से पहले हम देख लेते हैं बॉक्स पर क्या क्या मेंशन है। तो इस इंडक्शन कुकर में आपको 4 कुकिंग ऑप्शन मिलते हैं, साथ ही इसमें डबल MOV टेक्नोलॉजी दी गई है और ये 1400 वॉट का है ये, और इसमें आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है और 3 ईयर्स की कॉइल की वारंटी मिलती है। और इसको आप कॉन्टीन्यूसली 2 आवर्स तक रन करा सकते हैं और इसमें आपको इंटेलिजेंट प्रोग्राम मिलता है, साथ ही इसमें आपको पैन डिटेक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर गाइज, आप इस इंडक्शन कुकर की आप MRP देख सकते हैं, जो कि 3695 रुपीज़, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने मात्र 1900 रुपये में परचेज़ किया है ऑनलाइन। और इस इंडक्शन कुकर का मॉडल नंबर है InstaCook RT। तो चलिए गाइज, अब विदाउट एनी डिले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, इसके अंदर है हमारा इंडक्शन कुकर और साथ ही यहाँ पर हमको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी कार्ड भी इसमें दिया गया है। इसको यूज़ करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो गाइस, ये है हमारा हैवल्स का इंडक्शन कुकर। तो आज के इस वीडियो में गाइस, मैं आपको ये यूज़ भी करके दिखाऊँगा कैसे आपको यूज़ करना है ये इंडक्शन कुकर, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइज, हम इस इंडक्शन कुकर का फिज़िकल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूरी एक सिरेमिक प्लेट आपको मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर आपको एक डिजिटल स्क्रीन भी दी गई है। यहाँ पर आप टेम्परेचर को बड़ा घटा सकते हैं ऑन ऑफ़ के लिए और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कुकिंग के लिए। इस इंडक्शन कुकर में आपको 4 कुकिंग ऑप्शन मिलते हैं, मैनुअल, बॉयल, ग्रेवी और डीप फ्राई। और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जगह दी गई है और इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा फ़ैन है और अंदर आप देख पा रहे होंगे कॉपर की कॉइल है, तो ये पूरा कॉपर की कॉइल इसमें दी गई है। तो कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और वेंटिलेशन के लिए टॉप में तीनों तरफ यहाँ पे जगह दी गई है। तो गाइस, अब हम देख लेते हैं इसका डूज़ एंड डोंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें 5 kg से ज़्यादा वेट आप नहीं रख सकते और इसमें आपको इंडक्शन बर्तनों का ही इस्तेमाल करना है जो नीचे से फ्लैट होते हैं। और साथ ही आपके जो वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन के लिए जो जगह दी गई है ये तीनों तरफ, ये हमेशा आपको ओपन रखना है, बंद नहीं करना है। आपको समय समय पर चेक करते रहना है कि कहीं बंद तो नहीं हो गया, अगर बंद हो गया तो आपको क्लीन कर लेना है। और साथ ही इस इंडक्शन कुकर को आपको अपने LPG स्टोव के साथ नहीं रखना है और खाली बर्तन रख के आपको इंडक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको यूज़ करने के बाद आपको साथ साथ पानी से नहीं धोना है, अदरवाइज़ ये सिरेमिक जो प्लेट है ये टूट सकती है। तो अभी हम इसको हटा लेते हैं और हम इसको अब यूज़ करके देखने वाले हैं कैसा है ये हमारा इंडक्शन कुकर। तो गाइस, केबल की लेंथ की अगर हम बात करें तो केबल की लेंथ थोड़ी छोटी है। आप चाहे तो केबल की लेंथ आप बढ़वा भी सकते हैं इलेक्ट्रिशियन से या फिर आप खुद भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन केबल की लेंथ अगर हम देखें आउट ऑफ द बॉक्स, केबल की लेंथ तकरीबन 1/2 मीटर है। तो गाइस, हमने इस इंडक्शन को पावर दे दिया है, अब हम स्विच को कर लेते हैं ऑन। तो इसको हमने कर लिया है ऑन, अब हम इसमें रख लेते हैं हमारी इंडक्शन कढ़ाई। तो हमने इस इंडक्शन कुकर के ऊपर इंडक्शन कढ़ाई रख ली है, अब हम इसको कर लेते हैं ऑन। तो ये ऑन हो चुका है, अभी ये मैनुअल में अभी हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं कुकिंग ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ बॉयल। तो आप देख सकते हैं गाइस, पानी में से धुआं आना स्टार्ट हो चुका है, मात्र कुछ ही सेकंड अभी हुए हैं इसको चलाए हुए और इसमें धुआं आना शुरू हो गया है।
आई होप आप देख पा रहे होंगे पानी में से धुआं आना शुरू हो गया है और पानी गर्म हो चुका है। तो यू कैन सी गाइस, हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं बंद। बंद करने के लिए आपको इस स्विच को दबाना है। आपको गाइस इसको मेन स्विच से तब तक ऑफ नहीं करना है जब तक इसका फ़ैन ऑफ ना हो जाए। जब तक इसका फ़ैन बंद ना हो जाए तब तक आपको मेन स्विच से इसका पावर ऑफ नहीं करना है। तो वैसे तो ये ऑफ हो चुका है लेकिन इसका फ़ैन अभी तक चल रहा है, तो हम इसका वेट करेंगे जब तक ये फ़ैन इसका बंद नहीं हो जाता, तब तक हम मेन स्विच से इसको बंद नहीं करेंगे। अभी हमने मेन स्विच ऑन रखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर देखा गाइस मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर पानी एकदम गर्म हो चुका है, उबल रहा है पानी है। पानी में से आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है कुछ ही सेकंड के अंदर। तो गाइस जैसा इसका नाम है इंस्टा कुक, इसका काम भी कुछ ऐसा ही है, ये काफ़ी जल्दी से कुक कर देता है। तो इसका फ़ैन हो गया है बंद, तो अब हम इसको कर लेते हैं मेन स्विच से ऑफ। तो आपने देखा गाइस पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ पानी को, बहुत गर्म हो गया है, एकदम उबल रहा है पानी है। तो कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है। तो बहुत अच्छा ये इंडक्शन कुकर है, अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इसका परचेसिंग लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इस लाजवाब इंडक्शन कुकर को आप परचेस कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आई होप आज के वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को अभी कभी दबा देना है, और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।